तो यहाँ पे काफी दिनों से पता भी चल रहा है कि अफीम की भी खेती काफी हो रही है यहाँ, तो इस पर क्या कहेंगे सर? साहब अभी साथी हैं हम लोगों के, हम लोगों ने इसमें लगाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने की। काफी हद तक हम लोगों ने ब्रेक किया भी है, कुछ एरिया की और सूचनाएं मिल रही है, हम लोग उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये वन विभाग से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसे इनिशिएट करना है, हम लोग उसे मदद कर रहे हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हो पाता है हम लोग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वो लोग प्रयास में है कि डिस्ट्रॉय करें और उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की कमी है, इसी कारण से लोग समाज से। खबर छपी है सर कि इमामगंज में सलैया थाना क्षेत्र में जो है प्रशासन की मिली भगत से बड़े पैमाने पर लगभग 2 अरब की अफीम की खेती की गई है। और एक तरफ सरकार लेमन ग्रास लगवा करके लोग को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह का धंधा छोड़े, तो इस पर क्या है? देखिए, इसके बारे में मालूम हमको नहीं है, आपने कहा है पेपर में नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वो तो 12 चौकी से लेकर के आपको गुंडिया इलाका से जंगल में अफीम की खेती हुआ करती है और उसमें बहुत तरह की बात है, उन बातों को हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं। सरकार का प्रयास चाहिए था में कि इसको रोकें, सरकार नहीं रोकी। अब उसका उद्भेदन हो रहा है तो चलिए देर आया लेकिन दृश्य आया है, कम से कम वैसा प्रयास जो लोगों के अनहित होता है, जनहित में नहीं होता है, उसको रोकना चाहिए। एक तरफ आपको राष्ट्रीय जनता दल की ओर फिर से बुलाया जा रहा, आमंत्रण किया जा रहा है, तेज प्रताप यादव आमंत्रण कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मांझी आने वाले हैं। देखिए, वो ख्याली पुलाव बनाते हैं और जाने आने का यहाँ का कोई सवाल नहीं है। वैसा हम NDA में हैं और सब आप जानते हैं।